कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और सियासत में अक्सर इसकी वानगी भी देखने को मिल जाती है। इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी भाजपा के एक सांसद खूब रास आ रहे हैं और आए भी क्यों ना। आखिर मौजूदा वक्त में सबसे बड़े मध्य प्रदेश कांग्रेस के सियासी दुश्मन को इन्होंने हराया था। दरअसल इन दिनों कांग्रेस और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना संसदीय सीट पर चुनाव हराने वाले केपी सिंह यादव पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही थी। इसकी तस्वीरें देखने को मिली शुक्रवार को, यानी केपी यादव के जन्मदिन पर। गुना से भाजपा सांसद केपी यादव को पार्टी के सभी नेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही पार्टी के सांसद केपी यादव को बधाई नहीं दी। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं तब शुरू हो गई, तब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से केपी यादव को बधाई मिलने लगी। यादव यूं तो भाजपा सांसद हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोधी भी हैं, लिहाजा ऐसे में कांग्रेस प्रेम को लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं हो रही है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा क्षेत्र के सांसद कृष्ण पाल सिंह यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कमलनाथ की बधाई का जवाब देते हुए कहा कि माननीय कमलनाथ जी, शुभकामनाओं एवं स्नेहाशीष के लिए आपका सहृदय आभार। इतना ही नहीं बल्कि कमलनाथ के साथ साथ भाजपा पर जमकर बरसने वाले कांग्रेस आईटी सेल ने भी सिंधिया को चुनाव हारने वाले केपी यादव को बधाई दी और कहा कि गुना लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री कृष्ण पाल सिंह यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। वहीं भाजपा खेमे से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, नंद कुमार सिंह चौहान समेत बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने केपी सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुछ ना कहना भी चर्चाओं में छाया रहा। गौरतलब है कि केपी यादव कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोगी थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराज को पटखनी देकर देश भर में चर्चा में आ गए। इस हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी सांसद केपी यादव से अदावत और बढ़ गई थी। कई मौके ऐसे आए जब लगा कि दोनों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।